फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आपकी जो भी हॉबीज है, स्टिचिंग, डांसिंग, कुकिंग, पेंटिंग, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। यकीन मानिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें कि मैं पुरानी साड़ियों से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के ड्रेस की डिजाइन आपके साथ में शेयर करूंगी। तो अगर आपकी भी हॉबीज स्टिचिंग है तो मुझे ज्वाइन करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। और इससे पहले मैंने आप सभी के साथ में एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने 5 ऐसे टिप्स बताए हैं जिसे यूज करके आप बिना किसी खर्च के अपने पुरानी साड़ियों से एक नई ड्रेस आसानी से बना सकती हैं। तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। चलिए आज का प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक क्रेप सिल्क की साड़ी ली हुई है। ये साड़ी बहुत ही पुरानी है, इसलिए मैंने इसका बॉर्डर और पल्लू का पोर्शन ड्रेस में बहुत ही कम यूज किया हुआ है। और इसका प्लाजो को मैंने डबल लेयर में बनाया है, तो इसमें मैंने लाइनिंग भी अटैच नहीं की हुई है। और इसे मैंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप इसे एक पार्टी वियर और एक कैजुअल वियर दोनों तरीके से यूज कर सकती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, साड़ी जो हमारी है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हम इसमें लाइनिंग यूज नहीं करने वाले हैं और इसमें हम सर्कल प्लाजो बनाएंगे जिसे कि हम डबल लेयर में बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि किस तरीके से हम इसमें से डबल लेयर प्लाजो और कुर्ती दोनों निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, साड़ी कुछ इस तरीके की है और इसमें पल्लू का पोर्शन हमने पहले ही कट करके निकाल लिया है। उसके बाद फॉल और इसके बॉर्डर को भी कट करके यहाँ से निकाल देंगे। और साड़ी को यहाँ पे एक तरफ से हम लंबाई में सेट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए कोन बनाएंगे और इसे हम सभी पोर्शन को एक साथ में नहीं कट करेंगे, हम अलग अलग कट करेंगे। इस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा फैब्रिक बचेगा। तो मैं इसे पहले पेपर पे आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें इसे कट करना है। तो यहाँ से इस तरीके से कोन बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो हिप का राउंड मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे हम लेंथ मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे में हम लंबाई का हम निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो लंबाई है वो 3 इंच आई है, तो हम दूसरी साइड भी उस सेम लंबाई मार्क करेंगे। हमारी जो भी लंबाई आएगी हम पूरे में इस तरीके से निशान लगाते हुए इसे इस तरीके से शेप दे देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम अपने दूसरे पोर्शन की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए इस तरीके से हम अपने पीस को लेंगे और जहाँ पे इस तरीके से सर्कल वाला पोर्शन है उसे यहाँ पे रखते हुए हम सेट करेंगे और इस पे निशान लगा लेंगे। इसे इसके बाद उठाएंगे और यहाँ पे सेट करेंगे और तीसरे वाले पोर्शन को हम यहाँ पे सेट करते हुए निशान लगा लेंगे और इस वाले पार्ट को हम अपने जो बेल्ट अटैच करेंगे उसके लिए यूज करेंगे। उसके बाद चौथा वाला पोर्शन हम इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे इसे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे चारों पोर्शन पे हमने निशान लगा लिया है, अब इसे हम कट कर लेंगे। अगर ये चारों पोर्शन को हम फैब्रिक को फोल्ड करके कट करते तो उसमें हमारा ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट होता है और इस टेक्निक से आप 1/2 मीटर कपड़ा बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने चारों लेयर को कट कर लिया है, अब इसे हम अपने फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे हिप का जो राउंड मेजरमेंट है वो है 14 इंच, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। उसमें 1 इंच की लूजिंग लेंगे और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखते हुए 11.5 इंच पे निशान लगा लिया है और ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से दोनों तरफ बराबर में 15 इंच पे निशान लगाएंगे और सेंटर में भी इसकी लेंथ 15 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे हम शेप बना लेंगे। उसके बाद नीचे के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा प्लाजो है उसकी जो फुल लेंथ है वो है 37 इंच। तो यहाँ से देखिए 37 इंच पे इस तरीके से हम अपने इंच टेप को रखेंगे और ऊपर देखेंगे कि हमारी कितनी लेंथ कम है। तो ऊपर में यहाँ पे हमारी 14 इंच लेंथ कम है, तो हम ऊपर अभी 14 इंच की एक बेल्ट अटैच करेंगे, उसे हम बाद में अभी कट करेंगे। तो इस तरीके से कट करेंगे तो हमारा जो प्लाजो है उसमें कोई भी जोड़ नहीं आएगा सर्कल प्लाजो में,
तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे और पूरे में इस तरीके से 24 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे नीचे से इस तरीके से सर्कल में शेप देते हुए हम कट कर लेंगे इसे। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे 4 पीस। ये हमने 1 पीस कट कर लिया है तो अभी हमें 3 पीस और कट करने हैं, तो उन्हें हम अपनी जो बची हुई कपड़ा है उसमें से कट कर लेंगे। तो जिस तरीके से मैंने पेपर पे दिखाया था सेट करके, उसी तरीके से इस तरीके से रखना है और इसे हमें सभी पीस को कट कर लेना है बचे हुए साड़ी में से। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों लेयर को कट कर लिया है और उसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरीके से सेट करेंगे। तो हम ऊपर से इन चारों लेयर को अच्छे से सेट करके पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद में इसे हम सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे इस तरीके से लटका के रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा कपड़ा बढ़ गया है जहाँ पे उरेब वाली साइड है, तो इसे हम फिर से मार्किंग करेंगे इसकी। तो हमारे इस पोर्शन की लेंथ है वो है 24 इंच, तो 24 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। फिर हम सर्कल में प्लाजो या फिर स्कर्ट बनाते हैं, तो ये वाला स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हमारे जो सर्कल वाले प्लाजो या फिर स्कर्ट की शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है। उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे निशान लगा के। उसके बाद यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए देखिए मार्क करेंगे, तो ये बिल्कुल बराबर है हर तरफ से। इसके बाद हम अपने प्लाजो के ऊपर के पोर्शन की कटिंग करेंगे। तो हम बचा हुआ साड़ी का कपड़ा लेंगे इस तरीके से, तो जो पल्लू वाला पोर्शन हमने कट किया है उसमें थोड़ा सा पल्लू का पार्ट हमने छोड़ा हुआ है, इधर से हम कुर्ती को निकालेंगे और दूसरे साइड से हम अपने जो प्लाजो का बेल्ट है उसको कट करेंगे अभी। तो यहाँ से सेंटर से इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इसकी लेंथ हम रखेंगे जो हमारे जो प्लाजो में अटैच करना है पोर्शन उसकी जो लेंथ थी वो थी 14 इंच, तो 14 इंच में 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो वो 16 इंच होगा इलास्टिक डालने के लिए, फोल्ड करने के लिए। और इस तरीके से 16 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। ये देखिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है इलास्टिक डालने के लिए और लाइन को सीधा करते हुए हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे बचे वाले पोर्शन से हम कुर्ती बनाएंगे। आप अपने स्टाइल या फिर बॉडी शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप टॉप, पेपलम टॉप या फिर कुर्ती कुछ भी बना सकती हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रेट कुर्ती बनाने वाली हूँ। उसके बाद जो बेल्ट हमने कट की थी उसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे अभी वो कम है, तो इसमें हम अभी कपड़ा अटैच करेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम इस तरीके से कट करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, तो इससे इस की बेल्ट की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखिए स्टिच कर लिया है और उसे कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई अभी क्या है देखिए 15.5 इंच है। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा बेल्ट है उसकी लेंथ रखी है हमने 16 इंच और ऊपर से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे और इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम अपने कमर का निशान लगाएंगे, तो इसके लिए हम हिप का राउंड मेजरमेंट लेंगे, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 10 इंच और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो 12 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। और नीचे जो आसन का निशान लगाएंगे वो भी हम 12 इंच पे ही लगाएंगे और यहाँ पे लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम शेप दे देंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ भी हम 1 इंच का यहाँ पे शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। उसके बाद ये 2 पीस हमारे रेडी हो गए बेल्ट ऊपर के पोर्शन के। इसमें अब हम नीचे वाला जो सर्कल में कट किया था उसे अटैच करेंगे, तो इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे और इसके नीचे एक फ्रिल को पहले हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से सेट करते हुए हम दोनों का राइट साइड एक दूसरे के साथ फेस करते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच लगा लिया है। उसके बाद हम इसकी दूसरी वाली लेयर स्टिच करेंगे,
तो इसके लिए यहाँ पे हम 4 इंच पे ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, तो ये आया है 12.5 इंच पे, तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी वाली लेयर लेंगे और उसका भी सेंटर पे निशान लगाएंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ मैच करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। उसके बाद में इसे नीचे की तरफ इस तरीके से पलट लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हमारा देखिए जो दूसरी वाली लेयर अटैच की है उसमें ये फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो इसे पहले हम यहाँ से कट कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से हम दूसरा पेयर भी रेडी कर लेंगे और दोनों का राइट साइड एक दूसरे के साथ फेस करते हुए इस तरीके से सेट करेंगे और दोनों की क्रॉच लाइन को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड में मैंने स्टिच लगा लिया है और यहाँ सेंटर से इसे इस तरीके से सेट करते हुए हम नीचे की तरफ अब स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो अंदर वाली लेयर है उसमें स्टिच लगाएंगे, उसके बाद में इस लेयर को अंदर की तरफ डालते हुए बाहर वाली लेयर में क्रॉच लाइन तक स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अंदर वाले दोनों लेयर में स्टिच लगा लिया है। उसके बाद जो ऊपर वाली लेयर है उसे अंदर की तरफ इस तरीके से डालेंगे और ऊपर वाली लेयर को भी सेट करते हुए इसमें भी स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ स्टिच लगा लिया है। उसके बाद इसे सीधी साइड में पलट लेंगे और यहाँ में नीचे की तरफ आप अपनी पसंद का कोई भी लेस वगैरह अटैच कर सकती हैं। इस तरीके से ट्रायंगल वाली लेस आप दोनों लेयर में यहाँ पे लगा सकते हैं और ये बहुत ही ट्रेंड में है इस तरीके के लेस। तो 2-3 लाइन में आप गोटे भी अटैच कर सकती हैं, वो भी काफ़ी ही पार्टी वेयर लुक देगा। उसके बाद ऊपर की तरफ हमें इलास्टिक अटैच करनी है, तो यहाँ पे हमने 2 इंच की मार्जिन रखी थी, उसमें से 1/2 इंच इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच हम अपने जो इलास्टिक है उसके बराबर फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पे हमने जो इलास्टिक लिया है वो जो हमारी कमर की जो गोलाई होगी उससे 3 इंच कम करके लेना है हमें इलास्टिक को। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बारीक वाली सिलाई कर ली है, आप यहाँ पीको भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने इलास्टिक भी अटैच कर लिया है। बचे हुए फैब्रिक से हम अब कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है हमने। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक होल है साड़ी में, तो यहाँ से हम पहले फैब्रिक को सीधा लाइन करते हुए कट करके इसे निकाल लेंगे। तो हम अपनी कुर्ती की जो लेंथ है वो रखेंगे 32 इंच, 1/2 इंच ऊपर की तरफ सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और नीचे जो बॉर्डर है इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारे फैब्रिक है फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 20 इंच और हमारे जो हिप का राउंड मेजरमेंट है वो है 14 इंच। तो इसमें हमारे लिए सिलाई का मार्जिन नहीं है, इसलिए हम इस पे साइड में दोनों तरफ बॉर्डर अटैच करेंगे। जो हमने साड़ी से निकाला था बॉर्डर उसे हम दोनों तरफ अटैच करेंगे नीचे की तरफ, ऊपर हमारा मेजरमेंट पूरा हो जाएगा। अगर आपका पूरे में नहीं आता है तो आप पूरे में ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों साइड में बॉर्डर को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे देखिए 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब इस पे हम अपने कुर्ती के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने शोल्डर का मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो है 14 इंच, तो उसका 1/2 लेंगे 7 इंच, 7 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे। और नीचे हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद नीचे में हम अपने जो कमर है उसका निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे और नीचे हम अपना हिप का मार्क लगाएंगे 20.5 इंच पे। उसके बाद हम अपने गुलाई की मार्किंग करेंगे। तो हमारे जो चेस्ट है उसका राउंड मेजरमेंट है वो है 36 इंच, तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 9 इंच, तो यहाँ पे 9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। वेस्ट का राउंड मेजरमेंट है 32 इंच, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। और यहाँ पे हमारा जो हिप है उसका राउंड मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमारा मार्जिन सिलाई के लिए कम है, इसके लिए हम यहाँ पे जो हमने साड़ी से बॉर्डर निकाला था उसे इस तरीके से दोनों साइड में अटैच करेंगे। उसके बाद हम अपना आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इस पॉइंट को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और अंदर के आर्म होल के लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फ्रंट का और बैक का आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से।
और इस तरीके से सभी पॉइंट को मिला लेंगे और यहाँ पे हम अपना जो बॉर्डर है उसे अटैच कर लेंगे और जो हमारे नेक की विथ है उसे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 3 इंच का नेक रखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे हल्का सा शोल्डर का स्लोप का निशान लगाएंगे। तो मैंने नेक को फ्यूजन पेपर पे कट करके इसे फैब्रिक पे स्टिक करके इस तरीके से स्टिच कर लिया है नीचे से और जो बैक के नेक है उसे मैंने 10 इंच डीप रखा है और फ्रंट को मैंने 7 इंच डीप रखा है और यहाँ से इसकी विथ है 6 इंच। तो इस तरीके से फ्यूजन पेपर से जब हम नेक बनाते हैं तो उसकी फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे हम। और यहाँ से फैब्रिक फोल्ड में है तो इसे पहले कट करके अलग कर लेंगे। उसके यहाँ पे हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे और यहाँ पे हम बैक का पोर्शन निकालने के बाद में फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे अपने हिप के पास में दोनों तरफ बॉर्डर को स्टिच करके पलट लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ बॉर्डर को स्टिच कर लिया है और उसके ऊपर यहाँ पे पतला वाला गोटा भी स्टिच कर लिया है और ऊपर में मैंने नेक को यहाँ पे सेट कर लिया है और एक पैच मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। और इसे तैयार करने के लिए मैंने दो बॉर्डर को एक साथ में स्टिच किया हुआ है और इस पर इस तरीके के ग्लिटर से हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि बॉर्डर बहुत ही डल हो गया था। और यहाँ पे मैं सेंटर में इस तरीके से निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर इसे सेट करेंगे और इसे अच्छे से सिक्योर करके हम नेक पे बिल्कुल फ्यूजन पेपर के किनारे में स्टिच लगाएंगे और अपने पैच पे भी स्टिच लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है। उसके बाद में जो फैब्रिक है उसे हम यहाँ से कट कर लेंगे और इस पे छोटे छोटे इस तरीके से नॉच लगाएंगे। उसके बाद इसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से पलट देंगे और इसे आयरन से सेट कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से हम इसमें बैक का पोर्शन भी रेडी कर लेंगे और अब दोनों को एक दूसरे के राइट साइड फेस करते हुए इस तरीके से सेट करेंगे और शोल्डर को अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच करने के लिए हमारे जो इस तरीके जो पट्टी है उसे नीचे की तरफ इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है और साइड की स्टिचिंग भी कर ली है और यहाँ पे ये जो बॉर्डर हमारा है इसे इस तरीके से हम फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे दोनों तरफ में। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इतना बॉर्डर ही हमारा दिखेगा और ऊपर से यहाँ से हम बॉर्डर को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉर्डर को दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है और नीचे भी यहाँ पे हैंड स्टिच कर लिया है, बॉर्डर को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। और आर्म होल की अब फिनिशिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने तिरछी पट्टियाँ इस तरीके से कट की हैं और उससे देखिए मैंने यहाँ पे फिनिशिंग कर ली है। और जब हम तिरछी पट्टी को यहाँ आर्म होल पे स्टिच करते हैं तो पट्टी को हल्का सा खींच के स्टिच करते हैं, इससे क्या है कि हमारे आर्म होल जो है वो फैलते नहीं हैं। और इस तरीके से मेरी ये स्ट्रेट कुर्ती बनके रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।